स्टार्ट वार्ट करके अगर स्टार्ट भाई, तीन साल में जो कुछ भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता था, खुद के लिए टाइम नहीं रहता था, कभी छुट्टी नहीं लिया किसी भी चीज में। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना 100% सब चीज में दिया हूँ। खुद के लिए जब टाइम आया है तो मैं खुद के लिए अपना 100% जरूर दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूँ अरसलान, लाइफ की चक्की जब देखोगे तरह। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ मेरी बाइक को लेकर आने के लिए, जो कि है खारघर के अंदर, और मेरे साथ मेरा छोटा भाई है यहाँ पर असद, और हम लोग जा रहे हैं बकमैन पे। और अभी देखते हैं गाइस वहाँ पर जाकर बाइक कैसी है, सही सलामत तो है कि नहीं है, स्टार्ट होती है कि नहीं है। अगर नहीं होती है तो फिर ये बाइक से वो बाइक को टो करना पड़ेगा। और मैंने जीशान अवरेश को भी फ़ोन किया था तो वो लोग बोले कि हम लोग है नहीं, वरना हम लोग आ जाते थे, तो कोई बात नहीं। और आरती के घर के अंदर डेकोरेशन चालू है, तो आरती मतलब बोली मैं उसके अंदर बिजी हूँ वरना चलती, तो मैंने उसको खुद बोला एक काम कर मत आ क्योंकि तेरा कोई काम नहीं है वहाँ पर, क्योंकि बाइक से टो करना पड़ेगा ना बाइक को, तो वो बेचारी खोटा मतलब धक्का हो जाएगा उसका, तो वो घर पर है, वरना वो जिद कर रही थी आने की कि चलो मैं भी आती हूँ, ये वो हेल्प करती हूँ मैं तुम्हारी। मैं बोला मत जाने दे। ऐसे ही ब्रिज से नीचे उतरेंगे तो बहुत सारी ट्रैफिक है, रनिंग ट्रैफिक है, लेकिन हम लोग को कुछ जगह पर ट्रैफिक मिली है। तो गाइस धीरे के लिए आपको बाइक के पास ही मिलते हैं, देखते हैं थोड़ा स्टार्ट वार्ट करके, अगर स्टार्ट होती है तो फिर ठीक है, वरना कोई बात नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, और मेरा छोटा भाई क्या खाएगा? शौर्मा। तो गाइस शौर्मा खाएगा, और बाइक के आसपास ही मैं यहीं पर ही किधर मतलब आगे खड़ी करा था, तो वहाँ पर भी जाकर देखूँगा कि अगर बाइक मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वहीं से डायरेक्टली लेके चलेंगे। पहले तो आप लोगों को बताऊँ कि बाइक है कि नहीं है, क्योंकि मैं खुद भूल गया कि कहाँ पर खड़ी करो, देखते हैं। गाइस बाइक मिल चुकी है, और बाइक में हवा नहीं थी तो हवा भरवाया, और पीछे का टायर पंचर है फिर से, क्या पता कैसे, और अभी टो करके लेके जाएंगे वहाँ पर मेरे एरिया में, और फिर मैकेनिक के पास जाएंगे। अभी टो करने में एक टास्क रहेगा, तो आपको डायरेक्टली मेरे एरिया में ही मिलते, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर। अभी हम लोग खारघर में, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक मिलेगी क्योंकि फेस्टिवल टाइम है। कोई नहीं, चलते हैं गाइस डायरेक्टली। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर बाइक लगे खड़ी कर दिया हूँ। मैंने बाइक वाइक सब कुछ देकर आ गया था, बाइक तो मैंने कल ही दे दिया था, मुझे ऐसा लगा था कि शायद बाइक आज मिल जाएगी, लेकिन आज भी मतलब उसने मतलब जो मैकेनिक है उसने बोला कि थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसके पास बहुत काम था, इसलिए जैसे भी कितना भी टाइम ले लो लेकिन गाड़ी अच्छी बना के देना, और वो हमेशा अच्छी ही बना के देते हैं। गाइस मैं ऐसे ही बैठा था, मतलब अपने आप को ऐसा सोचा था कि आगे और अभी क्या क्या अपग्रेड करूँ, क्या क्या मतलब न्यू चीज़ें सीखूँ, बहुत सारी चीज़ें आई है दिमाग के अंदर, और इंशाल्लाह वो सारी चीज़ मैं पूरी करूँगा इंशाल्लाह। जैसे कि मैं सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है सब चीज़ पूरी कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारा टाइम है, क्योंकि ये 2.5-3 साल में जो कुछ भी मेरे पास मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहता था, खुद के लिए टाइम नहीं रहता था, तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत छुट्टी है। मेरे को 2.5-3 साल में मैंने कभी छुट्टी नहीं लिया किसी भी चीज़ में, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने 100% सब चीज़ में दिया हूँ। तो अभी मैं खुद के लिए जब टाइम आया है तो मैं खुद के लिए अपना 100% ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। और रही बात यह कि मेरी मम्मी की बर्थडे ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, तो मैं मेरी मम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सोच रहा हूँ, छोटा मोटा ही सही, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत मतलब शाय फील होते हैं, मेरी मम्मी मेरे से डबल शाय फील करते, वो कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मम्मी के लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे उनको अच्छा लगे और उनको आगे जाके उस चीज़ का काम आए। तो मेरे दिमाग में 3-4 चीज़ें हैं, और आप लोग भी सजेस्ट करिए कि मैं मेरी मम्मी के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी मम्मी थोड़ा खुश रहे। और गाइस अभी मैं आरती को फ़ोन किया था तो आरती थोड़े काम में बिजी थी, मैं जाऊँगा आरती के यहाँ पर भी जल्द। मुझे फ्री होके एकदम अच्छा लग रहा है, लाइक मतलब आई एम लविंग दिस फ्रीडम। ना किसी को बोलो, ना किसी को कुछ करो, चुपचाप चले जाओ, किधर भी उठ के जाना है, सिर्फ घर वाले लोग को बताओ। मैंने आज तक कभी मेरे घर वाले लोग को भी नहीं बोला, सिर्फ मैं मम्मी को बोलता था मम्मी मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी मम्मी भी ऐसा बोलते थे कि हाँ बेटा चले जा। और रही बात ऐसी कि बहुत सारी चीज़ अपग्रेड होगी और हो रही है, वो आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा, ब्लॉग्स में भी मालूम पड़ जाएगा आपको। पहले तो बाइक बनने की हम लोग इंतज़ार करेंगे कि बाइक कैसे बने हुए, फिर 3-4 सरप्राइज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं आपके पास इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करिए
कि वो हो जाए। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए भी सरप्राइज चीज़ें हैं वो, तो देखते हैं गाइस। तो गाइस मैं फाइनली घर पर आ चुका हूँ और जो भी सरप्राइज़ था मुझे देना था वो सारी चीज़ की मैं बात बात कर कर आ चुका हूँ। वहाँ पर मैं व्लॉग नहीं ले पाया क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ तो व्लॉग बना लेता हूँ, बनाया हूँ, लेकिन आगे आप लोगों को मालूम पड़ेगा। और मैं फिर उसके बाद बियर्ड सेट करने गया था, देख लीजिए आप लोग के सामने मैं बियर्ड सेट कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि बियर्ड कैसी लग रही है। आगे जो भी व्लॉग्स आने वाले हैं उस चीज़ का आपको इंतज़ार करना होगा, मुझे भी इंतज़ार है क्योंकि लाइक मेरे लिए भी थोड़ा बहुत सरप्राइज ही है वो सारी चीज़ें। तो बस आई होप मेरी मम्मी को ये सब चीज़ अच्छी लगे और बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अच्छा लगा आप लोग सपोर्ट करते हो तो मुझे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो